जब कुछ रिफॉर्म्स जो हैं उन्हें मुतारफ कराया गया पंजाब के सूबे में अब यहां अगर हम ये देखें कि प्राइमरी स्कूल ग्रॉस एनरोलमेंट्स जो हैं 2010 और 11 में तो ब्लू लाइंस इज फॉर ग्रॉस एनरोलमेंट रेट्स एट प्राइमरी लेवल एजेस फोर टू नाइन इंक्लूडिंग कच्ची क्लास फॉर मेल एंड द रेड लाइन ग्रॉस एनरोलमेंट रेट्स एट प्राइमरी लेवल एजेस इज फोर टू नाइन इंक्लूडिंग कच्ची क्लास फॉर फीमेल्स नाउ इन दिस चार्ट वी सी दैट इट इज एविडेंट

कहीं जाके दस और ग्यारह में थोड़ा सा ऊपर की तरफ ग्राफ आता है लेकिन उससे एकदम ड्रॉप है जो हम देखते हैं कि 2007-8 के बाद यानी 8-9 के पीरियड में हमारे सामने आता है एंड देन मिडिल स्कूल ग्रॉस एनरोलमेंट्स में पार्टिसिपेशन रेट को अगर हम देखें तो वहां हमें ये नजर आता है दैट बॉयज मिडिल स्कूल एनरोलमेंट्स रिमेन फेयरली स्टेगनेट ओवर द पीरियड इफ यू लुक एट द ब्लू लाइन यू सी देर स्टेगनीशन ब्लू लाइन इस काइंड ऑफ स्ट्रेट सो उसके अंदर हमें कोई उतार चढ़ाव नजर नहीं आ रहा बट इन दर्स केस ऑफ गर्ल्स मिडिल स्कूल एनरोलमेंट इंक्रीज सब्सटैंडली फ्रॉम टू थाउजेंड सिक्स टू टू थाउजेंड एट बट डिक्लाइन द ईयर्स और गर्ल्स के अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर इंक्रीज होती है दो हजार सात आठ तक लेकिन उसके बाद एक डिक्लाइन देखते हैं हम जो की गर्ल्स की एनरोलमेंट में नजर आता है एंड देन इफ यू लुक एट सेकेंडरी स्कूल ग्रॉस एनरोलमेंट्स

उसका रुझान ज्यादा होने की तरफ है लेकिन ओवरऑल जो है बॉयज का या मेल्स की पार्टिसिपेशन वो ज्यादा ही है सेकेंडरी स्कूल ग्रॉस एनरोलमेंट्स फॉर टू एंड इलेवन इफ यू सी इट डिपेक्स दैट द सेकेंडरी स्कूल एनरोलमेंट शो ग्रेटर इनक्रीजेस इन गर्ल्स पार्टिसिपेशन रेट्स अब यहां अगर आप देखें तो जो रेड लाइन है उसमें आपको एक चढ़ाव नजर आएगा कि जो फीमेल्स की पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा होने की तरफ उसका ट्रेंड है वेदर एज इफ यू लुक एट द बॉयज एनरोलमेंट रेट्स विच इज जनरली हायर सो जो बॉयज का तनासुब है वो वैसे तो हायर ही है लेकिन लड़कियों में जो रुझान है वो हमें देखा गया है कि उसमें एक डिवेलपमेंट की तरफ है उसमें एक ज्यादती की तरफ रुझान है जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल एनरोलमेंट प्रोसेस्ट

ऑल दो इट नैरोज लेकिन ये कम हो जाता है ड्यू टू द राइज इन गर्ल्स मिडिल स्कूल एनरोलमेंट और हम ये देखते हैं कि ये कम हो जाता है क्योंकि बच्चों की जो मिडिल स्कूल में एनरोलमेंट है वो ज्यादा होने लगती है और ये उस वक्त हुई है जबकि एक स्कॉलरशिप का जो स्टाइपेंट है वो इंट्रोड्यूस किया गया है मिडिल स्कूल के लिए